हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गई हूँ एक छोटे से मिनी ब्लॉग के साथ। और आज है दुर्गाष्टमी, तो उसकी होगी पूजा और आज जाएंगे मंदिर। देखते हैं छोटे से ब्लॉग में मैं आपको कितना कुछ दिखा सकती हूँ। तो चलते हैं। अम्मी तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 6। तो जा रही हूँ सबसे पहले नहाने, फिर आपसे लौट कर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और ये मैं आ गई हूँ पूजा घर में अपनी करने, पूजा की तैयारी शुरू। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया डलने में, क्योंकि नवमी के दिन होता है काम और वैसे जो हम एक दिन ब्लॉग बनाते हैं वो हम नेक्स्ट डे में ही डाल पाते हैं। तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा 2 दिन लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी ही रही तो वीडियो नहीं डल पाया। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और ये देखिए चल रही है अभी पूजा की तैयारी और पूजा करते हैं। और इसी बीच में मेरा हुआ भजन गाने का मन। पूजा करने के बाद मैंने एक छोटा सा माता रानी का गाया भजन, और भजन गाने के बाद अब मेघा मुझे बुला रही है चाय के लिए। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद अब मैं मेघा के लिए बनाऊँगी सबसे पहले चाय और चिप्स। देखिए कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दी है और ये रखे हुए हैं चिप्स चिप्स, लेकिन थोड़े से मौसम ऐसा ही रहा तो देखने का टाइम नहीं रहा, तो ये थोड़ा सील से गए हैं, तो थोड़ा सा चिप्स में मॉइस्चर आ गया है, तो उस तरह से अच्छे से जो सिकने चाहिए थे प्रॉपर वो नहीं सिके। लेकिन चलिए कुछ नहीं, मेगा के लिए सिक जाएंगे। और तो फ्रेंड्स सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हस्बैंड जा चुके हैं, और ये मैं और मेगा पी रहे हैं चाय। देखिए रखी है हमारी चिप्स और चाय, और इसके बाद बनाएंगे व्रत के लिए मेगा के लिए कुछ, क्योंकि मेगा का है फास्ट तो मेगा के लिए तो भाई बनाना पड़ेगा। और चलिए चलते हैं, अब चाय पिए फिर बात करते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हो चुकी है शाम और मंदिर से हम लोग दर्शन कर लिए, और अचानक मुझे याद आया कि कल है हमारे पार्थ का मुंडन, जो कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था। तो उसके लिए चाहिए थी मुझे 2 ड्रेसेस, तो मैंने फटाफट से शॉप की तरफ मेगा से कहा स्कूटी घुमाने के लिए, और हम लोगों ने उसके लिए लिए 2 बढ़िया से अच्छे से सूट, क्योंकि उसका मुंडन है तो वो एकदम कोरे कपड़े ही पहनेगा। तो ये मैं शॉपिंग कर ली और आ गई हूँ घर पे, और घर पे आते के साथ सबसे पहले मैंने चढ़ाया है कुकर, क्योंकि काम करना है ज़्यादा, टाइम है कम। फ्रेंड्स बाज़ार से आ चुकी हूँ और आते के साथ रख दिया है कुकर में आलू उबलने को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, लेट हो गई हूँ बाज़ार से आने में। मैं अर्जेंट में लाना पड़ा लाला के लिए सूट, क्योंकि कल है उनका मुंडन। ये आ गए हमारे लाला के सूट, और देखिए हो रही है अनबॉक्सिंग हो रही है। और ये रहा हमारे बाबू का सूट, मेरा जैकेट वाला, मेरा एडिडास सूट, और इसके साथ में है ये पैंट, छोटी सी छोटू से ये, और छोटू से इनका सूट, ये एक है, ये दूसरा, ये मेगा की पसंद का है। मेगा कह रही ब्लैक कलर लो, ब्लैक कलर लो, ब्लैक कलर लो, ले ले ये ब्लैक कह रही ब्लैक कलर लो। अरे वाह, बिल्कुल मेरी डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी थी, डिजाइन भी यार बढ़िया लगी, डिजाइन मुझे वो बढ़िया लगा डेनिम वाला, इसलिए डेनिम वाले के उसमें मैंने आ कर दिया था। ये तो इनका दिवाली के लिए हो गया। हाँ ये दिवाली का सूट हो गया लाला का, ठीक है ना, पहन इसको, पहन वो ऐसा गंदा लगा, हटाओ देखें, इसलिए लगाए गए हैं ये इतने सारे तकिए मुसन, और इनको टीवी का बहुत भारी शौक, 3 महीने के हैं नहीं टीवी का शौक है। तो ये फ्रेंड्स आपने देखा मैं आलू को उबालकर थोड़ी देर के लिए चली गई थी अपने दूसरे वाले घर पे, और अब मैं वहाँ से फटाफट आ गई हूँ सूट वगैरह दिखाकर अंशुला को, और आकर अपनी बनाने लगी हूँ सब्जी, जो कि मैं आज बना रही हूँ व्रत की आलू टमाटर की सब्जी, और बनाऊँगी कुट्टू के पराठे, और साथ में होगा दही, क्योंकि रायता वगैरह टाइम नहीं है बनाने का, तो बस आज सादा सिंपल सा व्रत का खाना खाएंगे। और मेगा का भी फास्ट है, मेरा भी है, हस्बैंड का भी, हस्बैंड तो खैर 9 दिन रहे हैं तो हम तीनों का है फास्ट, और बस 2 आलू की सब्जी हम दोनों के लिए तीनों के लिए काफ़ी होगी। और तो ये अब मैंने सब्जी को छौंक दिया है, और सब्जी बनकर जब तक रेडी होती है तब तक मैं सेकती हूँ पराठे, क्योंकि इसमें धीमी आँच में काफ़ी टाइम लगेगा। और देखिए ये सब्जी मेरी हो चुकी है वैसे रेडी, और धीमी धीमी आँच पर सिकेंगे पराठे, और सबसे पहले खाएगी हमारी मेगा, उसके लिए बना रही हूँ अभी तो, और लगाना है माता रानी को भोग, तो पहले लगेगा भोग और उसके बाद खाएंगी मेगा खाना, फिर हस्बैंड, फिर मैं,
और ये पराठे सेक कर रखो तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये तो सभी तभी खाएं जब ये अच्छे लगते हैं। और ये मैं लगाने लगी हूँ माता रानी के लिए प्लेट अपनी। तो फ्रेंड्स मैं तो चली माता रानी को भोग लगाने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे चाहूँगी विदा। बाय बाय।